वेलकम टू मासु किंगडम। यमुना रिवर की गोद में बसा हुआ ये सुंदर सा गांव। वैसे तो उत्तराखंड में कई खूबसूरत जगह हैं और उन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है चौनसर बाबर, जहां विराजमान है मासु देवता। तो आज की वर्चुअल जर्नी पर हम आपको लेके चलेंगे मासु देवता के इन दो सुंदर से टेंपल पर। सो लेट्स स्टडी टू एक्सप्लोर एंड बेस्ट पार्ट बताऊं, इट कैन बी डन इन अ सिंगल डे। So, let's start it. So, hey guys, good morning. Welcome back to another vlog. तो आज का इंट्रो देख के आपको पता चल गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं मासु देवता टेम्पल, जो कि लखवारी में आता है। तो मॉर्निंग के अभी 12 बज रहे हैं, दिन के अभी 12 बज रहे हैं और आज का व्लॉग 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज की डेस्टिनेशन हमारी पास है ना, थोड़ा लखवाड़ ज़्यादा दूर नहीं है। लखवाड़ जाएंगे और जाएंगे लक्सियार, तो ये जानी रखी मैं तो जा रखा हूँ। मेरा तीसरा राउंड है लखवाड़ का, और मतलब पिछले साल गया था, इस साल मेरा फर्स्ट राउंड है, तो इसका पहला राउंड है। तो चलते हैं, मौसम तो भाई बहुत मस्त हो रखा, गर्मी भी है। तो भाई जौनसर में जो चार मासु देवता मंदिर है ना, उसमें से एक ही लखवाड़ वाला भी आता है, तो आपको वहाँ के दर्शन कराता हूँ। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी मेन रास्ता है, ये जाता है यमुना ब्रिज, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी हुई, नीचे है यमुना रिवर। और मैं आपको मंदिर दिखाऊँ कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा, तो ये है मंदिर, हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे। तो ज़्यादा दूर है भी नहीं, पास ही है, पहले यमुना ब्रिज जाएगा, उसके बाद सीधा में ऊपर अगर कटना है, लेफ्ट को ले लेना है, वहाँ से लखवाड़ बैंड, और लखवाड़ बैंड से थोड़ा सा आगे लखवाड़ है, और लखवाड़ से थोड़ा सा आगे लक्सियार, तो दोनों मंदिर जाएंगे। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, टाइम कितना हो गया, 12:22 हो गया, हम निकलते हैं, थोड़ा मतलब एक घंटे में पहुँच जाएंगे लखवाड़। तो दगड़ियों, अभी हम जस्ट यमुना रिवर से ऊपर हैं, और भाई एक बात बताऊं आपको, चलो मंदिर जाके बताऊंगा। हाँ तो दगड़ियों, बहुत जल्द आप सबको मैं लेके जाने वाला हूँ दसाऊ, जहाँ पर अभी चालदा महाराज विराजमान है। वहाँ की ट्रिप होने वाली है मई स्टार्टिंग में या अप्रैल एंड में। तो गाइस अभी हमें यमुना ब्रिज के बैंड पे, ठीक है, तो इसके नीचे ये रिवर है, तो आज नदी में जाते हैं, आपको नीचे दिखाते हो रिवर कैसी है। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं हम, ये ऊपर ब्रिज है और ये नीचे रिवर। भाई आप ना सोच नहीं सकते बरसात में कितनी भयंकर रहती है ये पूरा, है ना, यहाँ पे तो आने का मतलब ही नहीं बनता उस टाइम जब बरसात रहती है, इतना खतरनाक पानी रहता है। अभी तो मतलब गर्मी है ना, तो पानी कम है, तो इसलिए बहुत ही हल्का लग रहा पानी। ये देखो ये है पूरी रिवर, वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, और देखो यहाँ से ना पूरा पानी की तरफ आया, तो कोई कहीं ना मूर्ति विसर्जन की होगी, तो यहाँ पर अटकी शिव जी की मूर्ति है। बाकी अभी तो बहुत कम पानी है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई, यही आगे ना डैम को निकलता है। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, छोटे छोटे पत्थर अपने रास्ता बना रहे हैं, वैसे हम भी बना रहे हैं, डर तो क्या रहता है, कभी कभी पत्थर हिल जाते हैं अपनी जगह से। तो फिलहाल निकल गए यहाँ रिवर से ऊपर, अब जाना है हमें सीधा लखवाड़, उससे पहले लखवाड़ बैंड आएगा। यमुना रिवर क्रॉस करके हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो कि था लखवाड़ बैंड। सोचा तो ये था कि अब सीधा लखवाड़ बैंड पे ही रुकेंगे, पर भाई व्यू देख के रुकना ही पड़ा। तो गाइस आधे रूट पे पहुंच चुके हम, यहाँ पर देखो हमें ना एक पत्थर सा दिखा, तो भाई यहाँ पे आके ऐसा प्यारा व्यू आ रहा है ना भाई, कसम से देखो इस साइड देख लो, आपको उत्तराखंड का रूट हो गया, ये जौनसर के लिए रूट हो गया, और नीचे यमुना रिवर। यहाँ पे देखो एक रिवर इधर से आ रही है, एक रिवर यहाँ से आ रही है, और यहाँ की जाके ये पूरी यमुना मिल रही है। तो गाइस बाकी चीज़ तो ठीक है, पर यहाँ देखो जब ये लड़की आई थी उसकी सुबह शक्ल देखता, देखो सारा मेकअप उतर गया था, कैसी लग रही है देखो, दिख रहा है। Oh,
तो भाई सामने है लखवार बैंड और ये जगह देखो, मतलब कैंपिंग ले मस्त लग रही है मेरे को। तो दगड़ियों पहुंच चुके हैं हम लखवार बैंड पे। ये वाला रूट आपको पता है कहाँ जाता है, नहीं पता तो बताता हूँ, विकास नगर, और ये जाता है लखवार के लिए। हमको राइट टर्न करना है, सीधा जाना है मासू किंगडम के लिए एंट्री। यहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा देखो, जय मासुदेव का। लखवार बैंड में आपका स्वागत है, जय हो। हाँ तो भाई मैं इसमें आपको बता रहा था ना, अगली ट्रिप होने वाली हमारी दसाऊ के लिए। जिनको नहीं पता दसाऊ कहाँ है मैं बता दूँ, चक्राता साइड पड़ता है। और जो पिछले बार समालटा गए थे हम, वहाँ पे चालदा महाराज थे, तो अभी वहाँ से वो दसाऊ जा चुके हैं, मेरे साथ चले गए थे। तो इस महीने लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में हमारा प्लान बन रहा है, और मेरे साथ जा रहे हैं मयंक। तो भाई इस रूट में इतना मजा आ रहा है ना, मतलब देखो इधर उधर इतना हरियाली छा रखी, और बीच में ना रूट भी अच्छा है, ज़्यादा गंदा नहीं, कहीं कहीं पे ख़राब है, बाकी तो एक नंबर रास्ता है। बाकी अब थोड़ी ही दूर बचा, मतलब 3 किलोमीटर नीचे जाता है, यहाँ से 2 किलोमीटर होगा और सीधा पहुँचेंगे मासू किंगडम में, लखवार में। तो गाइस लखवार बैंड से जब आप राइट टर्न ले लोगे ना, तो आप एक लैंडमार्क देख लेना, आपको ये सीढ़ी दिख जाएगी। ये पता नहीं क्यों लगाई है मेरे को, आज तक पता नहीं चला, 2-3 बार आ गया। नीचे जाने का रास्ता नहीं वहाँ पे मैडम, है नीचे जाने का रास्ता है। तो गाइज इस लड़के का कहना है कि ये सीढ़ी बना रखी ताकि लोग घास के लिए यहाँ जा पाए बराबर। तो गाइज मेरी बात सुनो, अगर ये सीढ़ी घास के लिए बनाई है तो लोग यहाँ से भी तो चढ़ के उधर जा सकते हैं ना। ले ऐसे देख, सीधा देख ये और ये क्या इसकी। तो गाइज यहाँ पर आई कुछ देखो, इस टाइप का व्यू दिख रहा है। सेंटर में एक पहाड़ है और वहाँ से पूरे इसके राउंड में ये रिवर है, यह यमुना रिवर, बाकी बहुत सुंदर जगह आ रही है। तो गाइज अब आप लखवार आने वाला है, जस्ट एक दो बैंड क्रॉस करिए ना, लखवार आ जाएगा। तो चलते हैं आप भी दर्शन करना हमारे साथ रह के, जय मासुदेव पूरा दर्शन करो जी। तो दगड़ियों अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के एंट्रेंस पे। देखो ये पड़िया मासू देवता मंदिर का रूट, आपको लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, आपको बोर्ड दिख जाएगा, देखो स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो गाइस मंदिर तक का थोड़ा रूट ना थोड़ा ऑफ रोडी टाइप का है, मतलब उतना सही है नहीं। तो गाइस मंदिर से पहले आपको यहाँ पे पानी मिल जाएगा। तो गाइस 3-2-1 सामने देखो क्या है, ग्राम पंचायत लखवाड़ आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो गाइस सामने देखो मंदिर, मतलब ना गांव के स्टार्टिंग में ही मंदिर पड़ता है सामने। मंदिर पहुंचते ही एक बकरी यहाँ, दूसरी बकरी यहाँ और तीसरी बकरी यहाँ। सो गाइस मंदिर पहुंच चुके हैं, ये सामने मंदिर का एंट्रेंस है, पहले चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये है जी मासू देवता मंदिर लखवार का। मासू देवता एक नहीं बल्कि 4 देवताओं का सामूहिक रूप है। तो गाइस पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है, पंडित जी तो पूजा कर ली। तो गाइस ये है महाराज का महल, सबसे नीचे हॉल है, उसके ऊपर भी हॉल टाइप का है, और सबसे ऊपर है टॉप फ्लोर है, वहाँ पे रहते हैं भगवान। बाकी यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है और ये शायद धर्मशाला होगी मंदिर की। तो गाइस अभी तो भीड़ कम ही है, और अभी ना अक्टूबर में लगता है शायद यहाँ जागरण ना, अक्टूबर टाइम में होता है उस टाइम, हाँ अगस्त में, उस टाइम इतनी भयंकर भीड़ होती है, जगह नहीं रहती भाई कहीं। गाइस नीचे ना खड़ा ही ना जा रहा, इतना गर्म हो रहा है भाई, फर्श पूरा गर्म हो रहा भयंकर वाला। फिर आज यहाँ के दर्शन कर लिए, अब चलते हैं मासू देवता मंदिर लक्ष्यार की ओर। दर्शन अच्छा लगा मंदिर, पूरी भक्तों रखी। तो कौन कौन से जा रही है वैसे तू?
मनोल, लाखा मंडल और थर्डे। तो गाइस पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है, मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं, बाकी आपने भी देख लिया कैसा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। और यहाँ पे 3-4 बकरे हैं, वो ना प्रसाद लेते हैं आपसे, जो आपका पूजा जाती है ना, तो दे देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो गाइस मंदिर के दर्शन कर लिए, हम जा रहे हैं दूसरे टेंपल में जो है लक्ष्यार में, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा आगे है, बस 2-3 बैंड क्रॉस करेंगे लक्ष्यार। तो गाइस मासु देवता मंदिर लखवाड़ आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और एक और प्यारा सा महल में आपको ले जा रहा हूँ मैं, जो कि है लक्ष्यार में। तो मंदिर के दर्शन करके हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था मासु देवता टेम्पल लक्ष्यार। सो गाइस लक्ष्यार के एक बैंड पहुंच गए, ये वाला रूट है मंदिर का, ठीक है, ये बोर्ड दिख जाएगा आपको, ग्राम पंचायत लक्ष्यार आज उन्हें आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये रूट है दूसरे टेम्पल का, यहाँ से बस 2 या 3 मिनट का रास्ता है बस। सो गाइस दूसरे मंदिर के एंट्रेंस से पहुंच गए, सामने देखो ये मंदिर है, ये रूट है, नीचे से प्रसाद ले लिया, इसको देखना लली मंदिर के एंट्रेंस से पहुंच गए, गेट लगा हुआ है, चलो चलते हैं फटाफट। तो ये है जी मासु देवता मंदिर लक्ष्यार का। देहरादून से कुल 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मासु महाराज का महल, अभी हमें मासु देवता मंदिर लक्ष्यार में, यहाँ पे पंडित जी थे नहीं तो हमने दोनों भगवान की पूजा कर ली। तो मंदिर की वीडियो बनाने अलाउड नहीं होती, तो मैं मंदिर दिखाऊंगा नहीं, बाकी आप पीछे से देख लो, बहुत प्यारा सा मंदिर है। बस एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता इधर से हो गया, बाकी जो इसके लेफ्ट साइड है वहाँ पे एक धर्मशाला है, स्टे करना है तो कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी एक भगवान यहाँ पर है, बोटा महाराज, चालदा महाराज इधर है। सो गाइस मासु देवता मंदिर लक्ष्यार के दर्शन भी हो गए, इस साइड है बोटा मासू, इस साइड चालदा मासू, और जो लेफ्ट साइड है ना वो है धर्मशाला। तो अभी कुछ टाइम है यहाँ जागरा वगैरह हो रहा, तो उस टाइम बहुत रश रहता है, अभी तो मतलब कम ही लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसे दर्शन करने, बाकी आप ट्राई करना भाई, बहुत मस्त जगह है।